नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे श्री भजनलाल शर्मा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दिलवाई जाएगी मंत्रिमंडल सदस्य की शपथ। रामनिवास बाग में होने जा रहे शपथ समारोह की तैयारियां पूरी। देश भर से कई गणमान्य अतिथि करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रदेश के नव मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा कल राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। वहीं समारोह में दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा को मंत्रिमंडल सदस्य की शपथ दिलवाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जबकि बड़ी संख्या में प्रदेशवासी भी समारोह में शामिल होने रामनिवास बाग पहुंचेंगे। समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं समारोह स्थल पर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रामनिवास बाग में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा ने। जयपुर का रामनिवास बाग कल ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। नए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पद की जो है वो शपथ लेंगे। इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्री को भी मंत्रिमंडल सदस्य के तौर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र पद की जो है वो शपथ दिलवाएंगे। कल सुबह 11 बजे के तकरीबन जो है भव्य समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम दिग्गज नेता और बड़ी शख्सियतें इसमें शामिल होने के लिए जयपुर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगी और अल्बर्ट हॉल जो है वो एक ऐतिहासिक पल का जो है वो साक्षी कल यहाँ पर बनने वाला है। इसके साथ ही प्रदेशवासी, पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर जुटेंगे। इसके साथ ही ना केवल अपनी उपस्थिति के जरिए बल्कि लाइव माध्यमों के जरिए भी लोग जो है, प्रदेश के लोग इस समारोह को लाइव देख पाएंगे और इस ऐतिहासिक पल के जो है वो गवाह बन पाएंगे। कल सुबह जो है 11 बजे के आसपास समारोह की शुरुआत होगी और तैयारियों को आज जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम तैयारियां वो मुकम्मल की जा रही हैं। पूरा प्रशासन, पुलिस जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा, इन्हें जो है वो मंत्रिमंडल सदस्य के तौर पर शपथ यहाँ पर दिलवाई जाएगी। और कल जो है वो सुबह जब 11 बजे के तकरीबन ये समारोह जब शुरुआत होगी समारोह की, उसके बाद जो है वो शपथ लेने के बाद इन जो नव मनोनीत जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल शुरुआत होगा। प्रदेश जो है वो एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ेगा। आपनों अग्रणी राजस्थान की थीम पर प्रदेश का विकास जो है वो आगे होगा और इस थीम को जो है वो पूरे प्रदेश में जो है, प्रदेश के कोने कोने को इसी थीम पर जो है वो आगे विकास की गंगा प्रदेश में बहेगी। दिनेश शर्मा, DIPR, जयपुर। इससे पहले मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीमती शर्मा ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सभी नवनिर्वाचित विधायकों और अति विशिष्ट मेहमानों के बैठने की व्यवस्था को लेकर व्यापक निर्देश दिए। वहीं समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। श्रीमती शर्मा ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के आवागमन की रूट प्लान, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम और संचार व्यवस्था को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएं और आपसी समन्वय से सभी माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कल सुबह 11 बजे होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह को आप सूचना जनसंपर्क विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।